और ये देख क्या बात है, अच्छा बना ना। फाइनली भाई हमारा छोटा रावण बन गया है। और ये देखो ये रावण हमने बनाया है, रावण का जो मुंह है वो भी रेडी हो गया है। ओए होए भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है गाइज। और ना आज हम बनाने वाले हैं रावण। आज जो रावण बना रहे हैं वो हम गत्ते का रावण बना रहे हैं। गत्ते के ऊपर पूरा रावण बनाएंगे, फिर कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते ऊपर। हमने गत्ता ले आया है भाई, गत्ता भी आ गया है, मार्कर भी आ गया है। पहले क्या काम करना है वो बताते हैं। पहले गत्ते के ऊपर ना पहले पूरा रावण की शेप बनानी है, फिर कट करना है। और भाई ये देख लो, ये यहाँ बैठा हुआ है, मेरे को बार बार कही जा रहा है रावण बनाना है, रावण बनाना है। गत्ते वाला चलेगा ना बनाए, पटाखे देख लेंगे ना, वो मिलेगा अगर लगा देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में लगा देंगे वो। चलो भाई अभी ऊपर आ गया है, और अभी ना जो गत्ता लेके आया है वो भी दिखाते हैं। भाई देख लो ये पूरा गत्ता आ गया यहाँ पर, और ये गत्ते का हम बनाएंगे रावण। पिछली बार भी गत्ते का बनाया था। हाँ इतना मतलब इतना बड़ा बनेगा रावण, ठीक है। और दो कट करने हैं पार्ट, एक यहाँ चिपकाएंगे, एक पीछे की तरफ चिपकाएंगे। ये जो रावण बनेगा ना बहुत ज्यादा बढ़िया बनेगा। और भाई दिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि भाई पूरा दिन बारिश आती रहती है, ये यूं ही रहता है वेदर भाई, हमेशा बादल ही बादल रहते हैं, रात के टाइम भी आ जाएगी बारिश। और ये बारिश के कारण क्या है कि आप प्रॉब्लम आ रही है वही बताता हूँ। देखिए दशहरा आ रहा है, जो जो रावण बना रहे हैं ना तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो रावण की बॉडी तैयार करके रखी हुई है उन्होंने, कागज लगाना होता है लेकिन बारिश आ जाती है, तो उन्होंने यही बोला है कि मेरे को जब बारिश बिल्कुल रुक जाएगी ना तभी हम कागज लगाना शुरू हो गए। और अभी तो पूरा एक महीना है, क्योंकि आज 11 तारीख हो गई है, और अगली 12 को, अगले महीने की 12 तारीख को दशहरा है। तो भाई अभी पूरा एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर जब भी बारिश बंद होगी और रावण तैयार होना शुरू हो जाएगा, कागज लगेगा और बाकी पेंट वूंट वो भी हो जाएगा। और भाई फिर हम जाएंगे एक बारी, जब थोड़े बहुत रावण बन जाएगा ना फिर मार्केट की वीडियो बनाएंगे। चलो भाई अभी ना तीन चीज़ें लेके आया है, गत्ता हो गया, कैंची होगी, और एक है मार्कर। और मार्कर हम क्यों लेके आए हैं, पहले ना जो रावण बनेगा ना वो गत्ते के ऊपर हम बनाएंगे, और फिर कट करेंगे। कट करने के बाद बाकी क्या करना है वो आपको बताएंगे मेरे को, क्योंकि पता है ना आज ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरी दो वीडियो में ये कंप्लीट होगा रावण। एक में ये पूरा तैयार हो जाएगा, और जब पटाखे आएंगे फिर ये रावण के अंदर पटाखे भी लगाएंगे। बेशक छोटा रावण बनेगा लेकिन पटाखे इतने लगेंगे ना कि जलाने के बाद मजा आ जाएगा। पिछले दशहरे में ना ये वाला रावण बनाया था, वीडियो में बहुत लोगों ने प्यार दिया था, और भाई लोगों ने ये भी कहा था कि रावण बहुत ज्यादा अच्छा बना है। आपकी भी आ रही हुई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी ना आप भी जरूर ट्राई करना ये वाला रावण। और ज्यादा बड़ा नहीं होगा रावण, छोटी हाइट होगी, जितना ये देखो ये डब्बा है ना इतना रावण होगा, इतनी हाइट। करें फिर शुरू करते आ जाओ भाई, रुक जाए, यहाँ नहीं बनाना, गत्ते को पहले कट करना है। ये कट करेंगे गत्ता, कट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए कटर चाहिए, कटर यानी कैंची है। तो गत्ता लेके आया, कैंची देखो भाई हमारी भाई पटाखे चल रहे हैं पीछे। तो भाई रावण बनाते ना अभी हमारा प्लान हो गया चेंज, क्योंकि ना जो पहले हम रावण देख रहे थे वो बना रहे थे हम इतना बड़ा, मतलब यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या दिक्कत आ गई बीच में ना, ये देखो ये लाइन आ गई, ये फोल्ड आ गया ना बीच में, ये देखो अगर हम ये रावण खड़ा करेंगे ना तो ये खड़ा होगा ही नहीं, ये गिर ही जाएगा बार बार। और हमने प्लान किया है कि हम रावण जो बनाएंगे वो इतना बनाएंगे छोटा, मतलब कि डबल हो जाएगा ना और हैवी हो जाएगा, थोड़ा गिरेगा नहीं, छोटा बनाना पड़ेगा। लेकिन तो गाइस देख लो हमने आउटलाइनिंग कर दी है रावण की, ये गत्ते वाला रावण ऐसे बनता है ना, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं भाई। अभी रफली बना दिया, रफली ठीक लग रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, चेक करो भाई अभी रफली बनाया है। ये कट करने के बाद यहाँ रखेंगे, आउटलाइनिंग लेंगे, और ये भी कट कर लेंगे, दो बनाने हैं ना, दो बनाने के बाद चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद जो तलवार और बाकी जो चीजें लगेगी ना जो ऊपर की लगेगी वो हम अलग गत्ते में काट लेंगे फिर चिपका देंगे। भाई ये देखो ये भी आया हुआ है लेकिन बना नहीं रहा रावण, नहीं बना रहा। चलो भाई सिद्धू भी लग गया काम में, और ये काट दे पूरा, ठीक है, जो ये बीच में होगा ना ये मैं काट दूंगा, ठीक है, ये कर। क्या बात है, ये कट हो गया, अब बाकी ये जितनी आउटलाइनिंग है ना ये आउटलाइनिंग के ऊपर मैं कट कर देता हूँ पूरा, और पूरी रावण की ना बॉडी निकाल देते हैं। ये क्या तलवार इतनी बड़ी तलवार लगा दे। तो भाई देखो इतना कट करने के बाद हमारे जो रावण की पूरी शेप है वो तैयार हो गई है, पूरी नहीं हुई, थोड़ी रह गई है ना, ये काटेंगे लेकिन रुक जा भी गर्दन में। हाँ वो मेरे को पता है, तभी तो मैं दो काट रहा हूँ, चिपका दूंगा ना भाई, दो काटने का यही फायदा है कि देखो अभी यहाँ पर भी रावण की शेप बन जाएगी यही वाली टिट्टो, और ये डबल कर देंगे, और भाई देखो ये हार्ड हो जाएगा डबल होने के बाद ना, ये देखो ये जो हिल रहा है रावण, ये देखो ये हिलेगा नहीं। बाकी आज ये पूरा कम्प्लीट करते हैं, और जो पटाखे लगेगा वो कल लगाएंगे, पटाखे हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ बाहर एक यहाँ लगेंगे, यहाँ इधर की तरफ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे भाई, मतलब पूरा मजा आएगा भाई। जग्गू भी आ गया, जग्गू देखो ये लेने गया था गम, और ये देख क्या बात है, अच्छा बना ना,
जो पिछली बार बना ना वो इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आज ये डिटेलिंग में बना पूरा। पिछली बार जल्दी में बनाया था, पिछली बार मतलब भाई हमें ना पता नहीं क्या था, हमने एक घंटे के अंदर पूरा किया था। हमने ये जल्दी जल्दी कट करते, अच्छा लग रहा है ना ये वाला। ये देखो भाई क्या कलाकारी करने लग गया अब भाई। मैं गया थोड़ा मूवी अच्छा कर देना, दिखना चाहिए ना। रावण है रावण, पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़िया बना, खतरनाक लग रहा है भाई। है ना, वीडियो में भी खतरनाक लग रहा है भाई। ये भी बना रहे दाढ़ी भी, हाँ अच्छा लगना चाहिए। पहली बार देख रहा हूँ, मूछें तो होती है, दाढ़ी भी होती है। और भाई हमने बना दी है। देख भाई अच्छा नहीं लग रहा बता, बहुत ज्यादा बढ़िया। सिद्धू इधर देखियो, रावण बना दिया, मजाक बना दिया भाई। नहीं रावण है, देख अच्छा नहीं लगा, तू बता खुद। अच्छा बहुत ज्यादा भाई। ये वीडियो दो पार्ट में ही आएगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अंधेरा होना शुरू हो गया। ओहो क्या व्यू आ रहा है भाई, हम रियल देख रहे हैं ना, रियल हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वीडियो में ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो भाई ये कट करते हैं, एक और भाई आप लेते हैं आउटलाइनिंग। अंधेरे से पहले पहले हम आउटलाइनिंग कर देते हैं इसकी। चलो गाइस अभी हमने आउटलाइनिंग भी ले लिया राउंड की। ये काम कर, ये वाली जो रावण की बॉडी है ये शेप के अंदर अंदर लगा के चिपका दे। चलो भाई ये रावण ना पूरा यहाँ पर चिपकेगा यहाँ पर, क्योंकि अब की बारी ना हम थोड़ा हैवी बना रहे हैं। पिछली बारी एक ही लगाया था ना हमने गत्ता, तो वो क्या हुआ था कि दिक्कत तो कोई नहीं आई थी, लेकिन जब हमने पटाखे चिपकाए थे ना वो रावण ना गिर रहा था थोड़ा। अब वो गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। यहाँ क्यों लगा रहा है, यहाँ लगाना मुझे करने दो यार। ये पटाखे हम लेके आएंगे कल, यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं ना, मैं एक दो दुकान पे पूछा हूँ, यहाँ पटाखे आए नहीं। और कल एक काम करेंगे हम ना, रावण कंप्लीट करने के बाद कल चलेंगे आगे और देखेंगे जहाँ पटाखे का पैकेट मिल रहा होगा ना, बिजली पटाखे का, तो वो ले आएंगे। ठीक है चलो, ये हो गया रावण कंप्लीट। अब ये जो जितना फालतू गत्ता है वो कट करते हैं नीचे जाकर, क्योंकि ना बाहर हो गया अंधेरा। चल चलो ये गत्ता ले जियो, हाँ ये चाहिए, ये वाला रहने दे, आजा। बाकी जितना काम है ये नीचे जाके करेंगे। और भाई एक नंबर का रावण बनेगा ये वाला। चलो भाई अभी आ गया नीचे और ये कट करते हैं फालतू गत्ता। फाइनली भाई हमारा छोटा रावण बन गया है। और ये देखो ये रावण हमने बनाया है, दो गत्ते लगाकर चिपका दिया, डबल रावण हो गया है। अभी ना नीचे भी यहाँ गत्ते लगेंगे और ये खड़ा भी हो जाएगा रावण। अभी ये काम करना है, बाकी जो तलवार वाला और जो मुंह वाला काम है ना वो कल करेंगे हम, आधा काम आज कर दिया हमने। मम्मी चेक करो रावण अच्छा लग रहा है। अब नीचे ना जो पैर वाला काम है ना वो करते हैं और ये खड़ा करते हैं रावण। सिद्धू बता फिर, ओके पैर लगा दे। ये क्या कर रहा है, रावण की माला भी लगा दी, देख लो पटाखे लगा दिए भाई। रावण का मुंह भी बन रहा है यहाँ पर, यहाँ की तरफ के जो मुंह है ना ये ज्यादा बड़े हो गए, यहाँ की तरफ छोटे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये लगेगा ना भाई मतलब कि मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर रावण का जो मुंह है वो भी रेडी हो गया है, अब ये चिपकाते हैं। चलो अभी ये चिपकाते हैं और गम लगानी है हमें यहाँ पर, होल चिपकानी है रावण के पीछे यहाँ पर। ओए होए भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये देख अब यहाँ तीन लेयर होगी, ठीक है, वो दिक्कत भी नहीं है कोई, डिटेलिंग करेंगे कल। तो अभी ना ये देखो ये जो मुंह है ये कंप्लीट करेगी, पैर वाले जो काम था वो भी आज नहीं करा, वो भी कल करेगी, ठीक है। और ये देखो ये पूरा राउंड कंप्लीट है, और जो हमने तलवार लगानी है ना, तलवार लगेगी यहाँ पर, ये ऊपर को जाएगी तलवार, मतलब की जो मुंह है ना मुंह के आगे आएगी तलवार। ये देख रहे हो जो मुंह हमने लगाया ना, वो जो हाथ है हाथ आगे है, मुंह जो है वो पीछे है, तो जो तलवार लगेगी वो लगेगी यहाँ पर, तलवार भी ऊपर तक आ जाएगी भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये वाला। और बाकी जो भी होगा वो करेंगे कल। तो गाइस हमने अभी रावण के पैर भी बना दिए, अब खड़े करके देखते हैं रावण को, क्या बात है, पहली बार में खड़ा गिरे रहा है, नहीं गिरेगा तो नहीं, गिरेगा नहीं, मजा आ गया। चलो भाई ये हो गया कंप्लीट और बाकी काम होगा कल, तो कल की वीडियो देखना मत भूलना, अभी रख देते हैं। The next day. तो भाई अभी ना मैं कर रहा था एडिटिंग, और अपना जो रावण बनाया ना वो हमने आज कंप्लीट भी करना, थोड़ा बहुत पटाखे देखेंगे, पटाखे भी लेके आएगी, अगर पटाखे मिलेंगे ना तो पटाखे भी यहाँ लगा देंगे रावण के ऊपर। और भाई एडिटिंग थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है, अभी और भी कंप्लीट करनी है, और आज जल्दी उठ के थे, आज उठ के थे 5 बजे। ये देखो भाई अभी टाइम कितना हो गया, और अभी एडिटिंग करते हैं जल्दी जल्दी। जिन्होंने ये पूरी वीडियो देख ली है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना जो हमने रावण बनाया वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और फाइनल लुक देखना चाहते हो ना रावण की तो वो भी बताना जरूर कमेंट करके। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।
है।